फायर ने मार्स चागल की 30 साल बाद पेंटिंग की चोरी का शिकार किया। नई अदालत के दाखिल के अनुसार लगभग 30 साल पहले चोरी किए गए एक लंबे खो चुके मार्क चागल पेंटिंग बल्गेरिया संगठित अपराध से जुड़े एक व्यक्ति के अटारी से बरामद किया गया है। 1988 में एक उत्तराधिकारी के दौरान न्यूयॉर्क और एल्लो अपार्टमेंट से लिया गया ओथेलो और देस डेमोना कलाकृति एफबीआई की आर्ट क्रिम टीम ने मैरीलैंड में पुनः प्राप्त की थी। जब व्यक्ति ने जांचकर्ताओं को अपने ठिकाने पर सतर्क कर दिया था, शेक्सपियर के ओथेलो से पात्रों को प्रदर्शित करते हुए 1911 में पेंटिंग मैनहट्टन के अनेस्ट और रोजहेलर के घर से चुने गए कई कलाकृतियों में से एक थी जो कला कलेक्टर थे, जो बाद से निधन हो गए। समय की खबरों के मुताबिक युगल ने गहने, मूर्तियां, चांदी के बर्तन और कालीनों को उत्कीर्णन में खो दिया था। यह इकट्ठा करने का जीवन काल था, अनेस्ट ने डकैती के बाद बताया था। एफबीआई समाचार रिलीज में कला अपराध टीम के अन्वेषक माखेस ने कहा, यह एक नौकरी का काम था। जिस व्यक्ति को इमारत का नियमित उपयोग होता था वह अपार्टमेंट से चोरी कर रहा था जबकि किराएदारों दूर थे। फ्रांसीसी घर में पेंटिंग की कीमत 136 मिलियन डॉलर हो सकती है। कोर्ट के दस्तावेज बताते हैं कि मैरीलैंड का व्यक्ति डकैती के पीछे नहीं था, लेकिन उन्होंने 1980 के दशक के आखिर में या 1990 के दशक के शुरुआत में वर्जीनिया में पेंटिंग का अधिग्रहण किया। यह माना जाता है कि चोर ने बल्गेरिया में आपराधिक संगठनों के लिए अपने संबंधों का उपयोग कलाकृति बेचने के लिए मदद करने के लिए संपर्क किया था। एक संभावित खरीदार खोजने के बाद आदमी को पता चला कि चोर उसे सौदे से बाहर काटने का इरादा है, इसलिए उसने चित्र को रखा। अदालत के कागजात कहते हैं इसे तबे कटारी में लगभग 3 दशकों तक एक होममेड लकड़ी के बक्से में रखा गया था जिसे हाई स्कूल कलाकृति कहा गया था। यह समझा जाता है कि आदमी ने एक से अधिक अवसरों पर पेंटिंग को वाशिंगटन डीसी गैलरी में बेचने का प्रयास किया। प्रमाणीकरण दस्तावेजों की कमी के संदेह में गैलरी के स्वामी ने सुझाव दिया कि विक्रेता कॉल कानून प्रवर्तना। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मैरीलैंड के मनुष्य 72 हैं और टर्मिनल बीमारी से पीड़ित हैं। पेपा नहेस को यह कहते हुए उद्धृत किया कि एफबीआई को शामिल करने का निर्णय उनके आसन्न मृत्यु से आंशिक रूप से प्रेरित था। बेल्गालियाई विरासत के एक फ्रेंको रूसी कलाकार चुगल को आधुनिकतावादी आंदोलन का अग्रणी माना जाता है। उनकी पेंटिंग ने पहले नीलामी में बड़ी रकम आकर्षित की थी। साथ ही 1928 के काम लेसमोरेक्स ने पिछले वर्ष 28 मिलियन से अधिक के लिए बिक्री की। कलाकार के लिए एक नीलामी रिकॉर्ड ओथेलो एंडस डेमोना को पुनर्प्राप्त किया गया, जो कि चीगल के करियर के शुरुआती हिस्से के दौरान बनाया गया था। काफी कम बेचने की संभावना है। फिर भी आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल के क्रिस्टोफर मुरिनेलो के अनुसार प्रारंभिक चोरी पर भुगतान करने वाली बीमा कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाला फर्म प्रारंभिक अनुमान के अनुसार 700,000 डॉलर और 900,000 डॉलर के बीच कलाकृति के मूल्य को रखा गया है। उन्होंने एक फोन साक्षात्कार में कहा, हमें वास्तव में काम की स्थिति का आकलन करना है। यह तस्वीरों में थोड़ा सा दिखता है, लेकिन यह अभी भी बहुत अधिक है। अपेक्षा की तुलना में बेहतर आकार है। यह स्पष्ट रूप से एक शुरुआती काम है और मैं किसी भी तरह से पेंटिंग को निराश नहीं करना चाहता, लेकिन यह मेरा पसंदीदा नहीं है। लेकिन मुझे यकीन है यह एक अविश्वसनीय उद्गम और अविश्वसनीय इतिहास है। एक खुश घर खोजें। कला नीलामी रिकॉर्ड क्यों टूट रहे हैं? संघीय अभियोजक अब चित्रकारी को हेल परिवार को वापस करने के लिए तैयार हैं। शागाल समिति द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है। संगठन है कि कलाकार की संपत्ति को नियंत्रित करता है।
तो पेंटिंग नीलम किया जाएगा, मैरिनेलो कहा। कुछ ऐसे बीमा कंपनी जाना अपेक्षित है जो कि चोरी के समय में पीड़ितों को लगभग $100,000 का भुगतान किया गया, साथ ही परिवार के संपत्ति द्वारा समर्थित गैर लाभकारी समूह के रूप में सीमाओं के कानून के साथ अब समाप्त हो गया है। चोर या मैरिलैंड के आदमी के खिलाफ कोई शुल्क नहीं होने की संभावना है, जिनमें से कोई भी अदालत में भर्ती में नामित नहीं है। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार पेंटिंग चोरी करने के संदेह वाले व्यक्ति को पहले से ही अपराधों के लिए अन्य अपार्टमेंट इमारतों से चोरी की कला के अन्य कार्यों की चोरी और बिक्री से संबंधित दोषी ठहराया गया है। जस्टिस न्यूज स्टेटमेंट विभाग में ब्यूरो के अधिकारी नैन्सी मैकनमारा ने कहा, जैसा कि FBI इस चित्रकला को अपने उचित मालिकों की संपत्ति में वापस करता है, हम इसे इतिहास के संरक्षण के उद्देश्य से करते हैं। कलाकृति का यह टुकड़ा सिर्फ मौद्रिक मूल्य के लिए नहीं, बल्कि कला और संस्कृति की दुनिया में इसकी जगह के लिए महत्वपूर्ण है। मैरिनेलो ने FBI और US अटॉर्नी कार्यालय की सीमाओं के कानून से परे मामले का पीछा करने के लिए सराहना की। दुर्लभ द विंची पेंटिंग ने $450 मिलियन की बिक्री के साथ विश्व रिकॉर्ड को मिटा दिया। जाहिर तौर पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां गिरफ्तारी करना पसंद करती हैं, और यह हमेशा 30 साल पुराने मामले में संभव नहीं होता है। यही वजह है कि बहुत से लोग इन ठंडे मामलों को खारिज कर देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अभी भी पीड़ित नहीं है। FBI और न्याय विभाग 30 साल बाद उन पीड़ितों की सहायता करने के लिए सिर्फ अचरज है।